जब भी मैं राजदरबार में आती हूँ, राजदरबार सुना दिखाई देता है, ना कोई नौकर ना चाकर और ना बवाली ही आता है। राजा ने कहा बवाली चला जाता है। मेरे बारे में सबको बता दो, मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ। अरे यार, मैं तो किराया जाना ना, मैं ले चला कभी। इनके बारे में बता दे, इनके बारे में एक एक खंडा सफल ले तो जाया। अरे क्या ठीक है बवाली, मैं खुद अपना पर्चे दे रही हूँ। जैसा कि आप लोग को मालूम होना चाहिए, बिजनौर शहर के बिजनौर शहर चंद्रपुरराम के जमींदार और मेरा घर आए हुए 3 साल हो गया, लेकिन अपनी दुख की बात घर से किससे बताऊं। बवाली जाते हो, मेरे पति मेरे पास नहीं आते हैं, ना जाने कौन से मुझसे गलती हो गई कि मेरे पास नहीं आते। 3 साल हो गया, मैं आज तक ये नहीं जानी कि सुहाग रात क्या होती है। मेरा बेटा यानी भतीजा जो है सावन है, मेरे घर में एक नई नवेली दुल्हन आई है और ठाकुर का ऐलान है कि जो नई नवेली दुल्हन
रहो बेटा, बैठा बेटा। अरे काका अब तो तार बुराई आ गई। हाँ बेटा मेरा तो बुराई आ गया है, मेरे समझ नहीं आ रहा है कि ठाकुर का आतंक कितना बढ़ रहा है बेटा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ए काका का करवा जमींदार हने ओकर तो आतंक बढ़ते रही मिल जात कतो ने अगरते ने वन डंडा वापर करी हम डांट दी। ये बताओ इस समय हमारा भतीजा जो सावन रहता है उसको जाता है या नहीं? मजा मत किया काका, बुलाई जय हाँ बेटा, यानी भतीजे को मेरे सामने बुला कर लाओ, उसमें सोच रहा हो उसे कुछ कहना चाहता है। चाचा जी आप क्यों इतना उदास रहते हैं चाचा जी? बेटा क्या बताओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्यों उदास हो चाचा जी? सुनिए
ना सोचने की कोई बात है चाचा जी, अब उसकी धार नहीं चल रही है, ये बिगड़ रही है। जैसा वो कहा ऐसा कभी नहीं होगा चाचा जी, आप घर पे रहिए, निपटर होकर रहिए। मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, दोस्त के घर आप बड़ी भाटी है, मुझे बुलाया है, इसलिए मुझे जाना होगा। बेटा शौक से जाओ लेकिन बहुत जल्द वहां घर को सचना। बेटा यही तो तुमसे इबावत करता, ठीक है चाचा जी, मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना और अपने दिल से निकाल दो कि ठाकुर ने जो कहा वैसा करेगा, ठाकुर पधार अब नहीं चलेगी। चाचा जी आप चिंता ना कीजिए, ठीक है बेटा जाओ। Yeah.
घर घर के पास आ गए। बाहर तो कोई दिखाई नहीं देता है, आवाज लगा देख कोई अंदर है। यदि वो नहीं आती है उनसे बोल दो कि दरवाजा तुम्हारा तोड़ दिया जाएगा। नहीं अगर ये भी अब हरे ने तो तोड़ देवर तरती दरवाजा तोड़ देवर जाए। नहीं 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 ऐसा मत करो। ठहर में आ रही ये बताओ आप इस घर के कौन है। देखिए मैं इस घर की बहू हूँ। एक बिरजू कहाँ है। देखिए मेरी ससुर जी खेतों में काम करने गए हैं और हमारी स्वामीनाथ अपने दोस्त के यहाँ बर्थडे में गए हैं। वो जब आ जाएंगे उनसे बात करूंगा। बात क्या करना है जिसकी मुझे जरूरत थी वो स्वयं मेरे सामने आ गई। दूसरे से मुझसे बात क्या करना है कौन से जरूरत मुझसे है क्या बात है। तुम्हारा नाम क्या है। चल ठीक वाली खाली काम तो मतलब मेरा राजमहल में उसके बाद बताता हूँ ये कौन है
Yeah.
कहाँ जाओगी? कहाँ जाओगी बगैर मेरे आदेश का? मेरे महान से तुम कहाँ निकल सकते?
तो भी ये कारण है भाई। हाँ, ठेकड़ा जी, और
अरे मुझ में क्या कमी है बताओ, मेरा बाल नहीं अच्छा इससे। चल मेरा मन भर जाएगा तेरे पास आ। अच्छा पहले इसी पढ़ा नहीं इससे मना पहले। अच्छा अरे तब बैठो क्या सब यार आ रही हो सपना क्या है रे? अरे मान जा मेरी इज्जत की बात है, मैं तुझे सोने चांदी से तोल दूंगी। सपना ए बारी कहो जा जल्दी से जलाद के बुला ले।
अरे भाई साहब गला दिया गया हाँ गला महाराज के चरणों में जल आपका कल्याण हो तुम्हारा खड़े हो जाओ अरे खड़े कहे महाराज सपना को ले जाओ सपना को ले जाओ इसका आंख और कलेजा निकाल कर मेरे सम्मुख ले आओ माल बड़ा भगवान मेरे लिए क्या सेवा जला तुम्हारे लिए यही सेवा है सपना को ले जाओ जंगल में इसे मार कर इसका आंख और कलेजा लेकर जैसे महाराज मैं लेकर जा रहा लेकिन के बदले में मुझे क्या मिलेगा जब तुम राजदरबार में वापस आओगे मौका भागा तुम्हें ना मिलेगा मैं दूंगी क्या चाहिए क्या दोगी जो तुम मानो अरे तुम्हारे अपन माल ला चला तुम्हारे मैं नौ लखा हार बेच कर तुम्हें ढेर सारे कपड़े और मुझे कपड़े की जरूरत नहीं है मुझे पैसा चाहिए पैसा पैसे के ऊपर काम हो जाए बात नहीं मानी रानी हाँ अब क्या होगा चलिए आप रात महल में मैं आ रही हूँ आपको चाय पियाऊंगी अरे मत मार भाई चलिए ठीक है बस चल रहा हूँ रानी जी
मैं समझ गया कहीं हो सकता है मेरी बहू सपना ना हो। क्यों सपना ना सपना कि मौत के घाट उतार दिया किसी के भेज में महाराज भूपत के हो गया और उस समय मैं तुझे पाया। प्रभु जी अगर इस मौके पर आप ना आते तो आपकी बहू जिंदा नहीं होती प्रभु जी।
मैं धर्मपुर का रहने वाला हूँ।